गाइस क्या होगा अगर मैं इस न्यू वाली सेंटर फ्रूट के पूरे डब्बे को खा लूं? क्या इसे खाने के बाद मैं दुनिया का सबसे बड़ा बलून बना सकता हूं? या फिर इन्हें चबाते चबाते मेरे दांत ही गायब हो जाएंगे? गाइस आप देख सकते हो मैं ये न्यू वाली सेंटर फ्रूट का डब्बा लेके आ चुका हूं और इन सारी सेंटर फ्रूट को निकालने के लिए मैं अपने घर की सबसे सस्ती वाली प्लेट लेके आ चुका हूं। तो चलो गाइस जल्दी से हम इस डब्बे से सारी सेंटर फ्रूट को निकाल लेते हैं। गाइस आप देख सकते हो ये कितनी सारी सेंटर फ्रूट है भाई साहब, इन्हें खाने के बाद तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आज मुझे। तो चलो गाइस जल्दी से इन सारी सेंटर फ्रूट की सस्ती वाली अनबॉक्सिंग शुरू कर देते हैं। गाइस आप इस सेंटर फ्रूट का शेप देख सकते हो, ये तो बिल्कुल एक टेनिस बॉल की तरह है। गाइस ये कितनी ज्यादा ऑसम लग रही है। गाइस यार ये तो बहुत सारी है, पूरा दिन निकल जाएगा इन्हें निकालते निकालते। गाइस कहीं सच में इन्हें चबाते चबाते मेरे दांत ही गायब ना हो जाए। गाइस हमने सारी सेंटर फ्रूट निकाल लिए, तो चलो गाइस जल्दी से इन सबको खाना शुरू करते हैं। गाइस ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। आगे मेरे साथ क्या हुआ ये देखने से पहले अगर आप चड्डी पहनते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे तो मैं समझ जाऊंगा आप लोग चड्डी नहीं डायपर पहनते हो। गाइस आप देख सकते हो हमने कितना बड़ा, अरे साला पोपट हो गया यार, सॉरी बॉय, बहुत ट्राई करा बनाई नहीं, पता नहीं।